तो भाई भोले पहुंच चुके हैं कंवर लेकर के, रात्रि विश्राम चल रहा है और यहाँ पर जो है मित्र ग्रामीण हमारे भक्त लोग जो हैं ये सेवा में लगे पड़े हैं। रोटियां बन रही है, देखो कैसे रोटी बनती है यार, ये देखो ये जंगल के बीच में मंदिर है जहाँ। तो भाई कल महाशिवरात्रि है और इस क्षेत्र का कण कण जो है शिवमय हो गया है, जहाँ से आप जाओ हर हर महादेव जय भोले की। तो हरिद्वार से जल लेकर के सभी भोले आज रात्रि तक अपने अपने निकटवर्ती मंदिरों में विश्राम हेतु पहुंचेंगे और कल बाबा को जल अर्पण किया जाएगा। ये देखिए ये काला ढूंगी हल्द्वानी वाले रूट में है, जहाँ पर भोले पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ जो है आगे बढ़ते हुए, साथ में कुछ मित्र ग्रामीण जो है वो उत्साहवर्धन करते हुए उनका। और ये देखिए ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर साथ में भी चल रहा है। और ये देखिए हमारे दो भोले आ रहे हैं, इनके साथ जो है मित्र ग्रामीण जो है इनके साथ स्कूटी में पैदल पैदल साथ देने के लिए चल रहे हैं भोले के जयकारों के साथ। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं काला ढूंगी में और काला ढूंगी में भी यहाँ पर जो है नाचते कूदते हुए भोलों का उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये देखिए काला ढूंगी शिव मंदिर है, मैं आपको यहाँ पर अंदर लेकर के चल रहा हूँ। कल जो है मामला एकदम खचाखच भक्तों से इस मंदिर में बिल्कुल भरा रहेगा, सिर्फ आज शाम है और तैयारी जोर शोर से चल रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। ये बाबा की विशाल प्रतिमा यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, मैं एक बार फ्रंट से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा काला ढूंगी शिव मंदिर, बाबा की प्रतिमा हर हर महादेव के घोष के साथ। ये देखिए सामने मंदिर है, इसका दिखा रहा हूँ मैं, कल भी मैं आपको यहाँ लेके आऊंगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी। अब देखिए हम काला ढूंगी पहुंच चुके हैं, फिर काला ढूंगी में दूसरा ग्रुप जो है हमारा ये जो है आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पर देखिए नाचते कूदते हुए चल रहे हैं कांवरियों को लेने के लिए, काफ़ी लोकल की पब्लिक है जो यहाँ पर आई हुई है इस समय, बाबा के जयकारों के उद्घोष के साथ जो है आगे बढ़ते हुए सभी। मेरे को गाना इसमें से कट करना पड़ा ताकि कहीं स्ट्राइक ना आ जाए, इस वजह से मैंने जो है गाना वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रख करके उसको कट कर दिया है। और बड़ा ही आनंदमय, इतना सुखमय, इतना। तो भाई अब हो गई रात और मैं जा रहा हूँ जो मंदिर जो जंगल के बीच में स्थित है, ये देखिए बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से मैं होते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पर हाथियों का बहुत ज़्यादा आतंक है और मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी चल रहे हैं भोले का नाम लेकर के आगे को बढ़ रहे हैं। बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रास्ता ना रोड है इसमें, कितना बेकार रास्ता है और मैं अकेले हूँ तो निकल रहे हैं। तो देखो ये पहुँच चुका हूँ अब मैं यहाँ मंदिर पर, यहाँ पर कुछ भक्त लोग जो है ये प्रसाद ले रहे हैं और कुछ लोग हमारे भक्त लोग हैं जो ये प्रसाद को बना रहे हैं। देखिए किस प्रकार से रोटी बेली जा रही है और किस में सेकी जा रही है, भाई ये होता है असली भोजन और इतना स्वादिष्ट कि। तो भाई हम भी तैयार हैं प्रसाद लेने के लिए, बिल्कुल हमारे भी देख करके बिल्कुल पेट में भूख बढ़ती जा रही है। देखो यार क्या प्यारी आग चल रही है और ये देखो ऊपर से टिक्कड़ सिक रहे हैं, मज़ा आ गया। ये देखिए कुछ जो हम इतने लोग हैं आपसे मिलवा देता हूँ, ये हमारे गणेश मामू, पहले भी पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, ये हमारे पूरन भाई, ये हमारे बिज्जू भाई और एक मित्र हमारे नवीन बाबू जी आगे से जो रोटियों को सेक रहे हैं कोयले में जो है गोल गर्म करके निकाल रहे हैं। तो भाई फिर ये देखिए ये हमारे नवीन भाई हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्त ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।